तो लड़ाई आपकी और हमारी बड़ी है साथियों, लड़ाई आपकी हमारी बड़ी है साथियों। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, जो अंदर बैठे आपके सांसदों को करना चाहिए था, जो एमएलओ को करना चाहिए था, जो पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए वो काम अब आपको और हमें करना है साथियों। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है साथियों, हमारी दिक्कतें भी बड़ी हैं साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे वकील साथी आए हैं, जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, जो सहारनपुर से आए हैं, जो नोएडा से आए हैं, मेरठ से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, दिल्ली में हाईकोर्ट से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आए हैं, रोहिणी कोर्ट से आए हैं, तीसदारी कोर्ट से आए हैं, हमारे साथी साकेत कोर्ट से आए हैं, द्वारका कोर्ट से आए हैं। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, और आपका यहां उपस्थित होना इस समाज को मजबूती देगा साथियों। क्यों? क्योंकि लड़ाई कानूनी लड़ाई है साथियों। लड़ाई केवल सड़क की नहीं है, लड़ाई कानूनी भी है। तो हमें कानूनी भी लड़ाई लड़नी है, हमें सड़क की भी लड़ाई लड़नी है। और अब कमर कस लीजिए, अब तो आपको कोई शक रहा नहीं कि कोई तुम्हारा है नहीं, कोई नेता तुम्हारा नहीं, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं, कोई भी एमपी एमएलए तुम्हारा नहीं, कोई मंत्री तुम्हारा नहीं, सारे के सारे मर गए, ये अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी आप पर हमारे कंधों पर है। लेकिन चिंता की बात नहीं, हम तो ईवीएम की लड़ाई भी अकेले लड़ रहे थे, हम तो ईवीएम की आवाज भी अकेले लड़ा रहे थे, और आज तो ये बात हमारी सिद्ध हो ही गई कि ईवीएम में जो बेईमानी हुई है उसी के बाद मोदी सरकार जीत के आई है। नहीं तो इस चौकीदार की और तड़ी पार की ज्यादा से ज्यादा 150 पर सारी कहानी खत्म हो जानी थी। ये स्थिति है साथियों। तो अब हमको साथियों, हमको ये लड़ाई लड़नी है, ईवीएम की लड़ाई भी लड़नी है, बाबा साहब की प्रतिमा की लड़ाई भी लड़नी है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। हाथ उठाकर बताओ सारे के सारी आवाज लगा के, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जीतोगे कि नहीं जीतोगे? और तब तक लड़ोगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे साथियों। यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश किसी की जागीर नहीं है, यह देश हमारा है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के अनुयायी अगर कदम आगे बढ़े दे तो पीछे नहीं हटते। और यहाँ जो जन सैलाब आज है, पीछे भी जो खड़ा है, आगे भी जो खड़ा है, और मुझे जानकारी मिली कि हमारी कुछ बसों को रोका गया है पुलिस के द्वारा, हालांकि हमारी पुलिस से कहीं कोई किसी तरह की कोई हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ भी जो भी साथी है पुलिस वाले उनका धन्यवाद, लेकिन जो हमारी बसों को रोका गया, हमारे साथियों को रोका गया है, वो गलत है। और सरकार ऐसा काम न करे, पुलिस को आके लाके ऐसा काम न करे, नहीं तो सरकार को बहुत दिक्कत आने वाले समय में होने वाली है। साथियों, जो प्रतिमा हटाई गई है, ये प्रतिमा केवल प्रतिमा की बात नहीं है, ये प्रतिमा जो हटाई गई है उस घिनौनी साजिश के तहत हटाई गई है। हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है, हमारे संघर्ष को भुला देने की कोशिश की गई है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को करने की कोशिश की गई है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस प्रतिमा के माध्यम से 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर और 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर, 14 अप्रैल पर तो वहां जबरदस्त मेला लगता था, न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश भर से लोग आते थे। हमारा जो वो मिलना है, हमारा जो इकट्ठा होना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो एक दूसरे के साथ मिलना है, वार्तालाप है, जो बाबा साहब के लिए जन्मदिन पर लोग खीर बना कर लाते थे, खाना बना कर लाते थे, वहां पर किताबें बिकती थी, वहां प्रतिमाएं बिकती थी, पोस्टर बिकते थे, उस हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिर में चेतावनी देते हुए इस मोदी सरकार को, जिसने रात के अंधेरे में ये घिनौना काम किया, हम उसे चेतावनी देते हैं, 14 अक्टूबर 2024 से पहले पहले अगर वो प्रतिमा जहां थी उसी सम्मान के साथ वहीं पर अगर स्थापित नहीं की गई, तो सरकार को उखाड़ फेंकने की और इसकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी हम सब करेंगे। और आज के बाद सारे के सारे साथी अभी से इसी दिन से तैयारी शुरू कर देना कि 14 अक्टूबर का जो आंदोलन हो वो पूरे देश भर में होगा, केवल जंतर मंतर पर नहीं। तो तैयारी शुरू कीजिए, बोलो हाथ उठाकर, करोगे कि नहीं करोगे तैयारी? पीछे वाले कैसे चुप लगाए बैठे, बताओ हाथ उठाकर, करोगे कि नहीं करोगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।